हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लचेस के बारे में समझेंगे। क्लचेस क्या है, इनका क्या काम होता है और क्लचेस कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हम क्लासिफिकेशन समझेंगे आज क्लचेस की, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने कुछ डिस्कस किया हुआ, जो ऑटोमोबाइल की वीडियोस हैं वो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम बेसिकली क्लचेस के सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिकली क्लच क्या चीज़ है पहले हम समझ लेते हैं। क्लच एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो कि इंगेज करता है, डिसंगेज करता है पावर ट्रांसमिशन को। समझते सिंपल लैंग्वेज में क्या है, जैसे हम गाड़ी में क्लच प्रेस करते हैं, उसके बाद हम गियर चेंज करते हैं। तो बेसिकली हम करते क्या है, जैसे हम क्लच प्रेस करते हैं तो वो होता क्या है, जो इंजन से हमें पावर मिल रही होती है। देखो गाड़ी में होता क्या है, इंजन से जो पावर आती है वो जाती है कि ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि क्लच होते हुए गियर बॉक्स तक जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब क्लच को प्रेस करते हैं तब हम पावर को डिसंगेज कर देते हैं, यानी कि जो इंजन से पावर मिल रही होती है हमें, उसको हम गियर बॉक्स तक नहीं पहुंचने देते। तो हम इजीली अपना जो गियर चेंज करने के बाद फिर हम क्लच पैडल को छोड़ते हैं। तो जैसे हम क्लच पैडल को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो पावर दोबारा से कनेक्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया क्लच क्या करता है, एंगेज करता है फिर डिसंगेज करता है पावर ट्रांसमिशन को, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट कहा गया है। अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें, जो नॉर्मल हम कहते हैं, उसमें हम कहते हैं कि वो इंजन से जो पावर मिल रही है हमें, उसे वहाँ तक पहुँचने में या ना पहुँचाने में हमारी हेल्प करता है। कहाँ तक, गेयर बॉक्स तक। ये जो हम हमारी मर्जी है, जैसे हम क्लच प्रेस करते हैं तो हम उस टाइम बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्लच प्रेस करने के टाइम पर हम पावर को डिसएंगेज कर रहे हैं, तभी हम गियर को इजीली स्मूथली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है कि जब भी हम गियर चेंज करते हैं हम क्लच को प्रेस करते हैं। तो कितनी फोर्स कोई क्लच जो है वो होल्ड कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में कितनी फ्रिक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसके बाद की, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्लच किस तरह का दिखता है, क्लचेस की अगर हम बात करें गाड़ियों में तो किस तरह से उसकी फिटिंग होती है, कौन से पार्ट कहाँ पर लगे होते हैं, वो सब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो क्लचेस के भी शॉर्ट में अगर आपको बता दूं तो ये बेसिकली फ्लाई व्हील के साथ जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, फ्लाई व्हील के साथ होता है। वो बेसिकली डिपेंड करता है कौन से क्लचेस की हम बात कर रहे हैं। हम पहले क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं क्लचेस की। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमने की है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग टॉर्क, कि टॉर्क किस तरह से ट्रांसमिट किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है पॉजिटिव क्लच, जिसको डॉग क्लच भी कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है क्या, बेसिकली यहाँ पर डिटेल में हम बाकी की वीडियोज में समझेंगे। आज हमारा मेन मोटो यही है कि हम देखें क्लचेस को किस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करें पॉजिटिव क्लच की, जिसको डॉग क्लच भी कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट में ग्रूव्स होते हैं, मतलब जिस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा है ग्रूव्स कट किए हुए हैं। तो जैसे ही जब क्लच पैडल को प्रेस किया जाता है तो ये जो दोनों चीज़ें आपको दिख रहा है, ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट, ये इसके ग्रूव दोनों अलग चीज़ें हो गई हैं। जैसे हम क्लच पैडल रिलीज करेंगे तो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है जो ग्रूव्स टाइप का, यहाँ पे एक दूसरे के साथ मैश हो जाते हैं। जैसे मैश हो जाएंगे तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, पावर ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव क्लच के, इसको पॉजिटिव क्लच क्यों कहते हैं, क्या इसकी थ्योरी वगैरह, वो सब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी आप यही समझो कि अगर हम किस तरह से टॉर्क ट्रांसमिट किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पहली क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव क्लच। दूसरी क्लासिफिकेशन है फ्रिक्शन क्लचेस, जो आपको नॉर्मली या मोस्टली देखने को मिलेंगे। फ्रिक्शन क्लचेस में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, कोन क्लचेस, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच और डायफ्रैगम क्लच, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सामने अपने स्लाइड पर, यह हमको कोन क्लच दिख रहा है, उसके बाद ये सिंगल प्लेट क्लच है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में, मैंने आपको कहा कि हम डिस्कस करेंगे क्लचेस के बारे में, उसमें मैं आपको सिंगल प्लेट क्लच की और डायफ्रैगम क्लच की पूरी असेंबली दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है तीन प्लेट्स हैं, इनके क्या नाम होते हैं, क्या काम होता है, कौन कहाँ कनेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन क्लच आ गया, ये सिंगल प्लेट क्लच आ गया, बेसिकली फ्लाई व्हील के साथ हमारे पास पूरी अरेंजमेंट होती है ये वाली, ठीक है। ये मल्टी प्लेट क्लचेज आ गया और ये हमारे पास डायफ्रैगम क्लच आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में समझ आएगा। फिर थर्ड टाइप है हमारे पास इसमें हाइड्रोलिक क्लच। हाइड्रोलिक क्लच में बेसिकली है, हमने जब हमने सबसे पहले टाइप पढ़ी थी, यहाँ पे पॉजिटिव क्लच, यहाँ पे ग्रूव्स कटे हैं उसकी वजह से, मतलब जो है पावर ट्रांसमिट हो रही है। फ्रिक्शन क्लचेस में फ्रिक्शन की हेल्प से पावर ट्रांसमिट होती है। हाइड्रोलिक क्लचेस में हाइड्रोलिक फोर्स को यूज़ करते हैं, यानी कि फ्लूड को यूज़ करते हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए। इसकी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, फ्लूड कपलिंग और हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर, ठीक है। तो जैसे हमने अभी टॉर्क ट्रांसमिट करने के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की है, वैसे ही किस तरह से फोर्स इंगेज हो रही है उसके अकॉर्डिंग क्लचेस को क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें पहली टाइप है स्प्रिंग टाइप क्लच, दूसरी है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। और इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कंट्रोल, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है उसके अकॉर्डिंग दो टाइप क्लासिफिकेशन है, मैनुअल क्लच और ऑटोमेटिक क्लच, ठीक है।
तो इसी में जो हमने पहले तीन टाइप्स पढ़ी हैं वो सारी मैनुअल ऑटोमेटिक में अपने आप आ जाएंगी, सब आपको समझ आएगा। तो बेसिकली आज आपको ये चीज़ें समझनी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्लचेस, कि किस तरह से क्लचेस को क्लासीफाई किया जाता है, क्योंकि इसके बाद मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करने लगा हूँ। अब जो बाकी की वीडियोज उसमें जो भी मैंने आपको टाइप्स बताई हैं इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन के बारे में हम बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।